द्वारा उवारा ने बेरिकेड करवामां आव्या छे। पोलिस विभाग अने महानगरपालिका द्वारा टीम तैनात करवामां आवी छे। महानगरपालिका द्वारा जाहिर जनता ने नावडी उवारा तेमज नदी किनारा पासे जवानुं टाळवा माटे अपील करी छे। शहर में डीप डिप्रेशन भारे पवन फूंकावानी तथा उपरवास में भारे वरसाद ने कारण उकाई डेम में पानी की आवक वधवाथी शहर ना नीचाणवाला विस्तारों में नदी ना पानी वधवानी शक्यताना कारण त्रण फ्लड गेट बंद कराया छे। हाल तापी नदी बन्ने कांठे वही रही छे, जेना कारणे लोकोने नावडी ओवारा तेमज नदी किनारा पासे जवानुं टाळवा माटे अपील पण कराई छे। आम उपरवास में भारे वरसाद कारण रात्र 9 वाग्या सुधी में उकाई डेमनी सपाटी 336.16 फूट पर पहुंची है। जयरे इनफ्लो प्रथम वक्त 3,23,483 क्यूसेक है और आ सीजन में प्रथमवार आउटफ्लो 1,96,545 क्यूसेक नोधाय है, जेना कारण तापी नदी बने कांठे वहती थी है। हाल में उपरवास में भारे वरसाद ने कारण उकाई डेम में पानी छोड़वानु शुरू करवामां आवेल छे, जे अनुसंधाने नावडी ओवारा किनारे पानी भरावानु शुरू थयेलू छे। छेते सूरत महानगरपालिका द्वारा ओवारा ने बेरिकेड करावामां आव्या हता, तेमज पोलिस विभाग अने महानगरपालिका द्वारा टीम तैनात करवामां आवी छे। छेते सूरत महानगरपालिका द्वारा जाहिर जनता ने नावडी ओवारा तेमज नदी किनारा पासे जवानु टाळवा माटे अपील करवामां आवी छे। गुजरात में फिर मौसम विभाग द्वारा चेतावनी की आगाही की गई थी कि 7 दिनों तक बारिश हो सकती है। आप देख सकते हो 3 दिनों से गुजरात के अलग अलग जिलों में बारिश का खूबी माहौल है। सुबह से शाम तक बरसता पानी और आज सूरत शहर में जो उकाई डैम है उसमें से 2,84,000 लीटर पानी कैश की छोड़ा गया है। और आप देख सकते हो जो तापी नदी है वो अपने जो तट है उससे ऊपर बह रही है और इसी तरह अगर बारिश होती रही तो तापी का जो प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ सकता है। और जो रहिशी एरिया है तापी नदी के किनारे आजू बाजू में रेजिडेंशियल एरिया है उसमें से कई जगह लोगों को खाली करवाने की सूरत महानगर पालिका की टीम और फायर की टीम ने कामगिरी शुरू कर दी है। लेकिन अगर 7 दिन की जो इस तरह की आगाही है और पानी इसी तरह बरसता रहा तो तापी की आजू बाजू तट में जो भी विस्तार है वो जल्दी ही खाली करने पड़ेगी, ऐसा नज़र आ रहा है आज के इस पानी के और नदी के माहौल देख के। कैमरामैन रवि वेंडे के साथ सुनील प्रजापति, इंडिया न्यूज़, सूरत।